ओम शांति। आज की तारीख है 14/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक त्रिनेत्र देने वाले त्रिनेत्री शिव पिता परमात्मा हमारा तीसरा नेत्र खोलते हुए ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। प्रश्न है, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी? उत्तर है, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी भी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों का विनाश करना है। नंबर 2, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान सतगुरु शिव परमात्मा का, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहते हैं वही माया जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।